दोस्तों आज के इस वीडियो में MMT ट्रिप गारंटी के बारे में बात करने वाला हूं, जिसका सिंपल सा मतलब यह है कि कोई भी ट्रेन टिकट बुक करते हैं और टिकट आपका वेटिंग रह जाता है तो 3 गुना पैसा आपको MMT वापस करेगा। तो चलिए आज के इस वीडियो में डिटेल में बात करने लगी, 3 गुना पैसा आपको मिलेगा कैसे, कब मिलेगा और टर्म्स एंड कंडीशन क्या है, डिटेल में हम करने वाले हैं इसका रिव्यू और अप्लाई भी करके दिखाने वाला हूँ। तो चलिए चलते हैं इनके वेबसाइट के ऊपर और डिटेल में जानते हैं। इससे पहले मैं आपको बता दूं, चाहे आप टिकट काउंटर से बुक कराएं, चाहे आप IRCTC एप्लीकेशन या वेबसाइट से बुक करें, या आप MMT से बुक करें, कहीं से भी अगर आप टिकट बुक करते हैं और अगर आपका टिकट वेटिंग लिस्ट में है तो आप ये ट्रिप गारंटी फैसिलिटी के लिए इलिजिबल हैं, आप इसे ले सकते हैं। चलिए इसी के साथ साथ इनका कहना है कि अगर आपका टिकट कन्फर्म नहीं होता है तो 3 गुना पैसा हम वापस करेंगे। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, 3 गुना ये अपना पैसा वापस नहीं करेंगे, अपना पैसा सिर्फ 2 गुना वापस करेंगे और 1 गुना पैसा जो आपका टिकट का था वो IRCTC आपको वापस करेगा, जो कि इनके टर्म्स एंड कंडीशन में क्लियरली मेंशन है कि ओरिजिनल पेमेंट मेथड में IRCTC द्वारा जो ओरिजिनल पैसा होगा वो आपको रिफंड किया जाएगा। और ये जो 2 गुना MMT आपको वापस करेगा, ये पैसा आपको वापस नहीं करेगा, UPI या अकाउंट में आपको पैसा नहीं देगा, ये MMT का उतना अमाउंट का वाउचर इशू कर देगा, जो कि MMT से कुछ भी आप बुक करते हैं, जैसे कि फ्लाइट हो गया, कैब हो गया, ट्रेन या बस कुछ भी बुक करते हैं, तो वहां पे इतना अमाउंट का जो वाउचर है वो आप लगा देंगे तो उतना अमाउंट लेस हो जाएगा। और ये जो वाउचर आपको दिए जाएंगे इसका वैलिडिटी सिर्फ 7 दिनों का ही होता है। और यहाँ पे एक चीज और ध्यान देने वाला बात यह है कि कोई भी टिकट आप बुक करते हैं तो प्लेटफॉर्म चार्जेस अलग से लगते हैं, पेमेंट गेटवे चार्जेस आपको अलग से लगते हैं, तो ये सब चार्जेस इंक्लूड नहीं होगा रिफंड में। रिफंड में सिर्फ और सिर्फ बेसिक फेयर ही इंक्लूड रहेगा, यानी कि GST वगैरह जो लगते हैं वो सब रिफंड में एलिजिबल नहीं होगा। और जो आपके टिकट का बेस फेयर होता है उसी का 3 गुना यानी कि 2 गुना आपको वापस मिलेगा। इसी के साथ साथ कुछ और डाउट मैं क्लियर कर देता हूं, उसके बाद डायरेक्टली हम चलेंगे एक ट्रिप गारंटी को एक्टिवेट करके देखेंगे। तो यहां पे जानने वाला बात यह है कि अगर आपका मान के चलिए 5 टिकट आपने बुक किया, 1 टिकट कंफर्म हो गया, बाकी का 4 वेटिंग रह गया, तो आप उस टिकट के ऊपर ट्रेवल कर सकते हैं। एज पर IRCTC वो टिकट कैंसिल नहीं माना जाएगा, वो टिकट वैलिड माना जाएगा, तो उसे आप ट्रेवल कर सकते हैं। तो इस केसेस में आपने जो ये 5 लोगों का ट्रिप गारंटी किया था, इसमें से कोई भी पैसा आपको वापस नहीं मिलेगा। दूसरा केसेस यहाँ पे ये होने वाला है, अगर आपका टिकट RAC में कन्वर्ट हो जाता है तो भी आपको यहाँ पे कोई भी रिफंड या कैंसिलेशन चार्जेस कुछ भी आपको वापस नहीं होंगे। कहने का मतलब फुल्ली वेटिंग अगर आपका टिकट रह जाता है तो ही आपको ये ट्रिप गारंटी वाला बेनिफिट मिलेगा। और मैक्सिमम ट्रिप गारंटी के थ्रू 6,000 रुपए ही ले सकते हैं, उससे ज्यादा एलिजिबल नहीं होंगे। चलिए अब एक ट्रिप गारंटी को हम एक्टिवेट करके देखते हैं कैसे हमें करना है। तो डायरेक्टली हम चले जाते हैं MMT के ऊपर और MMT वेबसाइट को हम ओपन कर लेते हैं। चलिए सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं, अगर आपने टिकट MMT के अलावा कहीं से बुक किया है और आपके पास PNR नंबर है, वेटिंग टिकट है, तो उसमें कैसे एक्टिवेट करेंगे ट्रिप गारंटी। देखिए MMT एप्लीकेशन के होम पेज के ऊपर आ जाना है, मोर के ऊपर क्लिक करेंगे। देखिए यहाँ पे PNR स्टेटस का ऑप्शन है, इसके ऊपर हम क्लिक करते हैं। अब देख लीजिए यहाँ पे हमें ऑप्शन दिख रहा है ट्रिप गारंटी का, चलिए इसके ऊपर हम क्लिक करते हैं। यहाँ पे हम अपना PNR नंबर डालेंगे, सबमिट के ऊपर क्लिक करेंगे और अगर हम ट्रिप गारंटी के लिए एलिजिबल रहेंगे तो वहां पे जो भी अमाउंट बनेगा उसे पे कर देंगे, तो ये ट्रिप गारंटी हमें मिल जाएगा। चलिए अब एक और दूसरा मेथड के थ्रू मैं आपको दिखाता हूं। और यहां पे मेरे पास एग्जिस्टिंग कोई PNR नंबर तो नहीं है, लेकिन हम यहां पे डायरेक्टली नया टिकट बुक करेंगे और उसको ट्रिप गारंटी में लेंगे। चलिए ट्रेन के ऊपर हम क्लिक करते हैं, यहां पे हम लुधियाना से समस्तीपुर 25 सितंबर, चलिए सर्च के ऊपर हम क्लिक करते हैं, कोई भी एक टिकट को हम ले लेते हैं जो कि वेटिंग में हो। ओके, यहाँ पे टिकट ट्रेन नहीं है, दूसरा डेट सर्च कर लेते हैं। ओके, यहाँ पे ट्रेन आ चुका है, यहाँ पे मैं सबसे महंगा वाला टिकट ले लेता हूँ और जो कि है 2340 रुपये वाला, इसके ऊपर हम क्लिक करते हैं। तो देख लीजिए ये RLWL है, यानी कि वेटिंग लिस्ट में है, तो ये ट्रिप गारंटी के लिए इलिजिबल है। ओके, तो यहाँ पे देख लीजिए क्लियरली मेंशन है ट्रिप गारंटी इलिजिबल है इस ट्रांजेक्शन के लिए, क्योंकि ये वेटिंग टिकट है। और यहाँ पे देख लीजिए क्लियरली मेंशन है 3x जो रिफंड आपको मिलेंगे उससे आप फ्लाइट टिकट बुक कर सकते हैं, बस टिकट बुक कर सकते हैं, कैब और ट्रेन भी बुक कर सकते हैं। और देख ये यहाँ पे टिकट का जो फेयर है वो 2340 रुपया है, यानी कि 2340 रुपया जो नॉर्मल IRCTC का दाम है वो है। और रिफंड जो हमें मिलेगा वो अप्रोक्स 7020 रुपये मिलेगा। ये 7020 कैसे है मैं आपको बता देता हूं, 2340 × 3, ये देख लीजिए 7020 रुपया हो गया। यही 7020 रुपया यहाँ पे बताया जा रहा है कि इतना आपको ट्रिप गारंटी में रिफंड मिलेगा, जिसमें से 2340 × 2 4680 रुपया आपको MMT वाउचर देगा अगर आपका टिकट कैंसिल हो जाता है, और 2340 रुपया आपको IRCTC देगा। तो कुल मिलाकर के आपका हो गया 7020 रुपया, जो कि पहले मैं क्लियर कर दिया हूँ। और यहाँ पे देख लीजिए
इसका जो चार्जेस है, ट्रिप गारंटी का जो चार्जेस है वो 1,008 रुपये है पर पर्सन। कहने का मतलब आपके टिकट का जो प्राइस है उसका 40% यहाँ पे आपसे ट्रिप गारंटी के थ्रू लिया जा रहा है। तो देखिए ट्रिप गारंटी एक्टिवेट करने के लिए यस और नो का ऑप्शन है, यहाँ पे गारंटी के ऊपर मैं क्लिक कर देता हूँ। चलिए यहाँ पे हम पैसेंजर नेम एड कर लेते हैं और यहाँ पे IRCTC का यूजर ID हमें डालना है और उसके बाद इस टिकट को हमें बुक करना है। अब देख लीजिए फाइनली हम पेमेंट पेज के ऊपर आ चुके हैं, व्यू डिटेल के ऊपर हम क्लिक करते हैं तो यहाँ पे देख लीजिए पेमेंट एड हो चुका है। ट्रिप गारंटी प्रीमियम इंक्लूडिंग GST ये 1,008 रुपया है, एजेंट सर्विस चार्जेस 40 रुपया है और IRCTC कन्वीनियंस चार्जेस 35 रुपया है। टोटल हमें पे करना है 3,428 रुपया, जो कि हमें इतना का पेमेंट करना है किसी भी मेथड से, UPI हो, क्रेडिट कार्ड हो, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग, किसी के थ्रू भी हम ये पेमेंट को कंफर्म करेंगे। तो मान के चलिए हमने एक टिकट बुक कर लिया और इसके ऊपर ट्रिप गारंटी एक्टिवेट हो गया और जब भी चार्ट प्रिपेयर्ड हो जाएगा यानी कि फाइनल चार्ट निकल जाएगा उसके बाद अगर ये टिकट कंफर्म नहीं होता है तो हमें वाउचर इशू कर दिया जाएगा जो भी अमाउंट एलिजिबल होगा उतना का। चलिए तो दोस्तों एंड में बात कर लेते हैं क्या ये ट्रिप गारंटी आपको लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए, मैं क्या प्रेफर करूंगा। देखिए पहली बात तो ये है कि अगर आपका जो एलिजिबल अमाउंट है ट्रिप गारंटी का वो 3,000 से कम है तो आप इसे ना ले, क्योंकि इस तरीके से समझिए 3,000 में से 1,000 रुपया तो आपको प्रीमियम में पहले ही लग गया, बचा 2,000 रुपया यानी कि आपको 2,000 का वाउचर मिल सकता है। लेकिन MMT के ऊपर 1,000, 1,500, 1,200, 1,800 रुपया कोई भी ट्रिप बुक करते हैं, फ्लाइट टिकट बुक करते हैं तो वहां पे क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड लगा करके इतना डिस्काउंट तो ऑलरेडी हमें मिल जाता है। तो क्या जरूरी है हमें 1,000 रुपये का प्रीमियम भर करके और 2,000 का वाउचर लेने का, जो कि हम डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड लगा के उतना डिस्काउंट ले ही सकते हैं, तो यहाँ पे कुछ भी बेनिफिट देखने को नहीं मिलेंगे। हाँ वहीं पे अगर आपका एलिजिबल अमाउंट 3,000 से ज्यादा है, 4,000 है, 5,000 है, 6,000 है तो बहुत बढ़िया है। तो दोस्तों आई होप यहाँ पे सारा कुछ मैं क्लियर कर पाया हूँ। चैनल पर नए होंगे सब्सक्राइब जरूर कर लिए ताकि मिलेंगे अगले किसी वीडियोस में, तब तक के लिए नमस्कार।